रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का विगत 3 महीनों में करीब 20,000 लोगों ने सदस्यता ली है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पार्टी की जिम्मेदारी लेकर के पद लेकर के काम कर रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। आने वाले 29 तारीख को माननीय रामदास ठाकरे जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लखनऊ आ रहे हैं, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनकी वार्ता है कि प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिस तरह महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ में लगी और बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है वहाँ पर, उसी तरह से आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आपके साथ में है तो उत्तर प्रदेश में हम लोग एजेंडा लेकर के चलें। और 26 में जो चुनाव होने वाला जिला पंचायत का, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रदेश के सभी सीटों पे अपने सिंबल पे उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है, जिसके लिए हम लोग इस समय पाँव पाँव गाँव गाँव का अभियान शुरू कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुत मजबूती के साथ में यहाँ पर दिखेगी। तो आप लोगों से कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को लोग कर रहे थे, उसमें बहुत तेजी के साथ में पार्टी आगे बढ़ रही है और इसके आगे भी हमारा कारवां जो है आगे बढ़ते जाएगा। नहीं देखिए, जो जो सीटें मिली थी वो हमारे सिंबल पे नहीं थी, सिंबल उनका था, और लेकिन हमने जो 66 सभा किया, माननीय आठौले जी ने जो 66 सभा किया, और 66 पे 66 सीटें हम जीत के लाए हैं। और बीजेपी से हमने पहले कहा था कि हम लोग कम से कम वहाँ पे 12 सीटें दीजिए ताकि हम लोग वहाँ पर जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कुछ उनकी जो बाकी सहयोगी दल थे उसमें उनकी बातें नहीं हो पाई, लेकिन हमने हमारा जो फर्ज था, हमने जो एक सहयोगी की भूमिका हमारी थी, हमने बहुत मजबूती के साथ में वहाँ पर मेहनत करके उस सीट को जिताने का काम किया है। और इसलिए आज उसकी देन है कि आज बाबा साहब को मानने वाला जो वर्ग वहाँ पर है, उन्होंने पूरी ताकत लगा करके रिपब्लिकन भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। और इसीलिए आज बहुमत के साथ में जिस 3 महीना 4 महीना पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मेहनत से वो सरकार आज बहुमत साथ में बनने जा रही है। नहीं तो उनके जो सीटें हैं जहाँ पे सरकार उनकी नहीं बन पा रही है, सीटें हार रहे हैं, तो उनके बारे में वो कह रहे हैं, लेकिन जहाँ जीत रहे हैं उसके बारे में कुछ कह ही नहीं रहे। तो मतभेद तो उनके पास खुद है ना, आप जहाँ जीतोगे वहाँ पे कुछ नहीं कहोगे और जहाँ हारोगे वहाँ पे आप आरोप करोगे, तो कोई मतलब नहीं चीजों का। नहीं, मुख्यमंत्री तो देखिए देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे और उनको बनना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी, उन्होंने जब सरकार बनने की बात आई थी और उनको जब आदेश हुआ कि आप डिप्टी सीएम का पद लो, तो उन्होंने एक त्याग की भावना दिखा करके डिप्टी सीएम का पद लिया, इसलिए उनका ये हक बनता है कि उनको सीएम बनाया जाए। शिंदे साहब जो हैं सीएम रहे हैं, अगर उनको डिप्टी सीएम नहीं बनना है तो सेंट्रल जा सकते हैं, सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर का पद ले सकते हैं। पवन जी, अभी तक जो है आरपीआई के निशाने पर बीएसपी रहती थी, लेकिन जिस तरह से आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आगे बढ़ रही है तेजी से, उसको लेकर क्या आप आजाद समाज पार्टी को भी आप टारगेट करेंगे, क्या है आपकी प्लानिंग आगे? देखिए, हमारा निशाने पे किसी को नहीं लेते हैं। हमारा ये मानना है कि जहाँ पे जो चीजें हैं, जो समाज है, जहाँ पे गरीब है, कमजोर है, वर्ग है, उसको हम साथ में अपने ले रहे हैं। हमारे निशाने पर ना कभी बीएसपी रही है, ना कभी हम सपा के निशाने पर। हमारा हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम समाज के सभी वर्गों को, हमारे पार्टी में दलित समाज के भी लोग हैं, बैस समाज के भी लोग हैं, छत्री समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं। हम एक पार्टी को हमारे मजबूत करने का काम कर रहे हैं और जहाँ अन्याय हो रहा है हम लड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी देवरिया में एक दलित बस्ती पे अत्याचार किया था पुलिस ने, हमने एसपी से बात करके उस प्रभारी को वहाँ से सस्पेंड करवाया। तो जहाँ लड़ाई होने की जरूरत है, जहाँ अन्याय हो रहा है, वहाँ हम खड़े हैं। करहल में जो दलित तो उसकी वोट डालने बीजेपी कह दिया और उसका आरोप है कि उसको मार दिया गया, हत्या कर दी। हमने उसके जांच की मांग की है कि उसमें सही क्या है, उसको जांच की जाए। सिर्फ आरोप करने से नहीं है, उस जांच की जाए, जांच में जो सही है उसको उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए, आरोप अपराधी किसी पार्टी का हो, किसी वर्ग का हो, वो अपराधी है, हमारा साफ मानना चाहिए। लोगों को संभल की घटना पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से वहां पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संभल में बीजेपी सरकार ने दंगा कराया जिससे कि चुनाव की जो निकल गया उसमें कोई बात नहीं हो सकती। नहीं देखिए, इसमें संभल की जो विषय है वो कोर्ट ने आदेश किया है, उसमें सर्वे होना है। सर्वे अगर एक बार सर्वे हो चुका था, दूसरी बार सर्वे के लिए कहिए थे, दोनों पार्टियों ने मिलकर के आपस में बैठकर सर्वे पूरा होना चाहिए था। सर्वे में जो रिपोर्ट जाती है, लड़ाई कानूनी लड़ाई है, उसको जमीन पिलाने कोई मतलब नहीं है। और वहाँ के जो सांसद हैं, उन्होंने जो उसको आगे आकर के नमाज के शुक्रवार के दिन आगे आके जो लोगों को भड़काया, उसकी वजह से वो उपद्रव वहाँ पे हुआ है।
रिपब्लिकन पार्टी की 2027 में क्या कुछ भूमिका रहेगी? हम जो है 2026 में पहले हम अपनी टीम को मजबूत करके जिला पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में हम सभी सीटों पर, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो दो राज्यों में सिंबल है हमारा गन्ना लिया हुआ किसान, वो हम उत्तर प्रदेश में वो सिंबल ले रहे हैं और उसी सिंबल पे हम अपने पूरे प्रदेश के जितनी 3,3200 सीटें हैं सब लड़ाएंगे और हम गांव गांव तक पहुंचने का काम करने जा रहे हैं। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।